राम राम दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करांगे, दोस्तों फिर भी मैं आपने बता दूं कि आज हम बात करांगे रेला में लागन वाले पंखे और बल्फा के बारे में। दोस्तों अगर आपने नहीं पता हो तो भारतीय रेलवे की रेला में जो लाइट और पंखे लगाए जा हैं वे रेला के अलावा और कितने नहीं चलाए जा सकते, ऐसा क्यों? तो दोस्तों जो भारतीय रेला में जो पंखे और लाइटें लगाई जा हैं उनकी वोल्टेज सिस्टम थोड़ा अलग बनाया जा है। दोस्तों जो रेला में पंखे और बल्ब लगाए जा हैं वे चाले हैं दोस्तों 110 वोल्ट डीसी करंट पे, जो कि रेला के अलावा और कितने भी 110 वोल्ट डीसी करंट नहीं है तो वे पंखे और बल्ब और कितने नहीं चलाए जा सकते। अगर दोस्तों हम बात करें अपने घर की बिजली की, तो दोस्तों हमारे घर में जो बिजली आवे है वह होवे है 220 वोल्ट एसी करंट की बिजली। तो हम रेला के पंखे और बल्फा ने अपने घर की बिजली तय नहीं चला सकते। दोस्तों कहने का मतलब यो है कि भारतीय रेला में जो पंखे और बल्ब लगाए जा हैं उनका निर्माण कुछ इसी तरह कराया गया है कि वे भारतीय रेला के अलावा और कितने भी नहीं चलाए जा सकते। पर ईसा भारतीय रेलवे ने क्यों कराया, तो इसके पीछे भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है। वो यू है कि दोस्तों पहला जो रेला में पंखे और बल्ब होया करते वे चोरी ज़्यादा होने के कारण इस मारे दोस्तों भारतीय रेलवे ने जो पंखे हैं और बल्ब हैं उनकी वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी करंट पर कर दी, जिससे कि जो चोरी होने के केस वो कम हो गए, क्योंकि दोस्तों 110 वोल्ट डीसी करंट भारतीय रेला के अलावा और कितने भी नहीं है। तो दोस्तों चोरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो चोर चोरी क्यों करेंगे। तो इससे हमारे दोस्तों भारतीय रेलवे ने ये पंखे और बल्ब 110 वोल्ट डीसी करंट पर बनाए कि चोरी कम होवे। तो दोस्तों यह थी भारतीय रेलवे से जुड़ी कुछ खास जानकारी। या जानकारी आपने किसी लगी लाइक कर कमेंट करके जरूर बताइयो, और आगे भी इसी और जानकारियां खातर थारे अपने चैनल देसी टाइटल ने सब्सक्राइब भी जरूर करियो। आप हमारे फेसबुक पेज ने लाइक भी जरूर करियो, इंस्टाग्राम पेज ने फॉलो भी जरूर करियो। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ही मिलेंगे अगली जानकारी में, तब तक जय हिंद जय भारत।